अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वीक 8 में हम टेलीस्कोपिंग सम मेथड जो है वो पढ़ रहे थे, और कुछ एग्जांपल हमने तीन तकरीबन पांच एग्जांपल जो है वो हमने जो वीडियो 1 और वीडियो 2 थी उसमें हमने डिस्कस कर ली थी। अब दो और एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये टेलीस्कोपिंग सम मेथड में डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं वो सारे सारे कवर हो जाए ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें कि हमारे पास जो है वो टी ऑफ एन जो है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम टी ऑफ एन बाई 4 प्लस सी, और टी ऑफ वन जो है वो जो बेस केस है वो हमारे पास सी आर है ना। तो अब इसमें देखें जो चेंज आई है वो क्या आई है कि 4 कोफिशेंट जो है वो इसमें आ गया है ना। पहले वाला जो है वो जो लास्ट एग्जाम्पल थी उसमें टी ऑफ एन बाई फोर था प्लस सी था, अब 4 कोफिशेंट इसमें आ गए ना। तो अब आपने क्या काम करना है कि जो क्वेश्चन था उसमें हमने कहा था कि जो रिकर्सिव टर्म होगी इसका आंसर आपने जो है वो लिखना होगा। रिकर्सिव टर्म को आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है, और उसके बाद इसका जो भी आंसर बनता होगा वो आपने राइट साइड पर लिखना है। ठीक है, तो 4 टाइम t n बाई 4 का आंसर आपने लिख लिया 16 टाइम t n बाई 16 प्लस 4 c। कैसे आया अब इसमें देखें, आपने क्वेश्चन में n बाई फोर लिखा, ठीक है, n को 4 पर डिवाइड किया ताकि ये वाले जो n बाई फोर है ये बन जाए, तो n बाई फोर लिखा तो राइट साइड पर भी आपने n को 4 पर डिवाइड कर दिया ना, तो ये बन जाएगा 4 टाइम t n बाई 16 प्लस c। अभी यहाँ तक ना टी एन बाई फोर का आंसर हमारे पास आ गया। अब आपके पास ये कोफिशेंट 4 है इसको भी आपने मल्टीप्लाई, तो ये 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 t n बाई 16 ऑलरेडी बन चुका था, प्लस इस सी के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 c बन जाएगा ना। तो इसी तरह आपने ये सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन के स्टेप्स करते जाना है। तो 16 टाइम t n बाई 16 इसको आपने लेफ्ट साइड पर लिखा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 t n ओवर 4 रेज टू पावर 2। तो राइट साइड पर आप देखें कि जब आप यहाँ पर देखें इसे ऊपर वाला स्टेप, तो 4 की पावर 1 था, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे भी 4 की पावर 1 था, इस राइट साइड पर क्या बन गया 4 की पावर 2, नीचे भी 4 की पावर 2, यहाँ पर क्या बन गया 4 की पावर 1। तो ये वाली 4 जो c वाली टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड वाली टर्म के साथ पैटर्न बना रही हैं, और पावर जो है वो इसमें एक ज़्यादा हो रही है राइट साइड पर ना। तो जब आपने 4 की पावर 2 लिखा तो इधर 4 की पावर 3 बन जाएगा, बाकी सारा सेम है क्वेश्चन, लास्ट में सी जो होगा वो 4 की पावर 2 आ जाएगा। जब ये वाली टर्म लेफ्ट पर लिखेंगे 4 की पावर 3, राइट पर क्या बन जाएगी 4 की पावर 4, और सी कितने बन जाएंगे 4 की पावर 3। ठीक है, तो अब अगर आप जो है वो यहाँ पर लिखते हैं 4 की पावर k-1 t n बाय 4 की पावर k-1, जो कोफिशियंट है वो डिवीजन में है ना, तो राइट साइड पर क्या बन जाएगा, इससे एक वैल्यू ज़्यादा करनी है पावर में ना, तो +1 करेंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, सिर्फ k बच जाएगा ना, तो राइट साइड पर आ जाएगा 4 रेस्ट पावर k टाइम t n बाय 4 रेस्ट पावर k प्लस 4 की पावर k-1 c। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 की पावर k-1 था ना, तो सेम स्टेप आपने परफॉर्म किए जो पैटर्न ऊपर नज़र आ रहा था k की फॉर्म में लिख लिया। अब आपने क्या काम करना है कि n बाय 4 रेस्ट पावर k को आपने 1 में कन्वर्ट करना है, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें देखें कि आपने पहले लेफ्ट वाली सारी टर्म्स को ऐड कर लिया, राइट वाली सारी टर्म को ऐड कर लिया, तो लेफ्ट पर हमारे पास क्या बच गया टी ऑफ एन, ठीक है, राइट साइड पर हमारे पास जो है वो 4 पावर में जो है वो सी सारे आ रहे थे, और लास्ट में हमारे पास जो ये वाली टर्म थी 4 की पावर k t n बाय 4 की पावर k प्लस 4 की पावर k-1 c, ये आ गया ना। तो इसको हमने पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, इसमें से k की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये टी ऑफ वन बन जाएगा, तो टी ऑफ वन का आंसर हमें पता है सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा 4 रेस्ट पावर k-1 c। ठीक है, यहाँ पर 4 की पावर, यहाँ पर आपके पास k बनेगा, ये लास्ट वाला जो है k-1 c बनेगा, ये इसको करेक्शन कर लेंगे ना। ठीक है, क्योंकि टी ऑफ वन जो है वो सी है, तो टी ऑफ वन के साथ 4 रेस्ट पावर k आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास 4 रेस्ट पावर k-1 c अलग से टर्म है, तो ये वाली टर्म जो है वो आपने यहाँ से ठीक करनी है, ये 4 रेस्ट पावर k यहाँ पर होगा, यहाँ पर सी साथ आ जाएगा, इधर आपके पास 4 रेस्ट पावर k-1 c हो जाएगा, या आप ये आपने सपोज इस तरह लिख लिया कि 4 रेस्ट पावर k-1 c पहले लिख लिया, ये वाला स्टेप आपने बाद में लिख लिया, ठीक है, तो करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आपने तरतीब की फॉर्म लिख लिया 0 1 2 3 अप टू k-1, और उसके बाद k आ जाएगा ना, ये आप सीक्वेंस में लिखा था इसलिए ये इस तरह लिखा गया ना। तो इस पर आपने आप देखें ये वाली समीशन आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके ऊपर समीशन का फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने जो इसमें से कांस्टेंट इग्नोर कर दें, बाकी क्या बच जाएगा टी ऑफ एन इजिकल टू बिगो ऑफ एन बच जाएगा। ठीक है,
तो ये एग्जांपल आपने ऑलरेडी देखी हुई है, उसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो भी देखा हुआ है, सबमिशन किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी देखी हुई है, तो बाकी चीज़ें आप इजीली कवर कर लेंगे ना। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 जो है उसमें देखते हैं उसमें क्या चेंज आया। तो इसमें आपके पास चेंज आया कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 टाइम t n/2 + n। 6 में देखें यहाँ पर c आ रहा था लेकिन यहाँ पर कोफिशेंट सेम आ रहे थे, तो अब c की जगह n आ गया ना, तो यहाँ पर देखें कि c की जगह n आ गया लेकिन कोफिशेंट 4 की जगह 2 हमने कर दिया ना, तो 2 टाइम t n/2 + n। तो अब इस क्वेश्चन को लिखा तो हमने कहा था कि रिकर्सिव टर्म को आपने लेफ्ट साइड पर लिखना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 t, उसके बाद n/2 की पावर 1, जो कोफिशेंट है वो नीचे भी वैल्यू आ रहे हैं। राइट साइड पर आप जब इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पर क्या बन जाएगा, 2 रेस्ट पावर 2 t n/2 रेस्ट पावर 2 + n। ये मैंने कहा था कि n कैसे आता है, बार बार कैसे आता है, तो लास्ट दो जो मेथड थे उनमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये दोबारा n कैसे आ जाता है ना। तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जिस तरह भी देखें n की वैल्यू जब आपने 2 पुट की, यानी कि n/2 आपने बनाना है, तो n को यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया तो n/4 बन जाता है, यहाँ पर भी n को आपने 2 पर डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर ये वाला जो कोफिशियंट 2 था ये बनाने के लिए आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन जाएगा, यहाँ पर n/2 था तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है, तो n बच जाएगा। सिमिलरली आप इससे पैटर्न आपका बन रहा है कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और लास्ट में n आ रहा है ना। तो जब ये वाली टर्म यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 की फॉर्म में, तो इधर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3, लास्ट में n आ जाएगा। इस टर्म को लेफ्ट साइड पर लिखेंगे तो राइट साइड वाली क्या बन जाएगी, 2 की पावर 4 और n आ जाएगा। सिमिलरली आपने जब इस तरह स्टेप करते करते k वाली टर्म लिखें, तो 2 की पावर k - 1 वाली टर्म जब आपने लिखी तो राइट पर क्या बन जाएगा, 2 की पावर k, ठीक है, और लास्ट में आपके पास +n बच जाएगा। तो अब ये वाली टर्म वही बन चुकी है, तो अब इसमें से n/2 की पावर k इसको आपने जो है वो 1 बनाना है ताकि आपका बेस केस बन चुके बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि पहले आपने लेफ्ट वाली टर्म को ऐड किया, राइट वाली टर्म को ऐड किया, लेफ्ट पर क्या बच जाएगा कैंसिल करने के बाद t(n), राइट पर क्या बच जाएगा कि जो हमारे पास ये nk वाली टर्म थी वो वाली बच जाएगी, प्लस कितने n हमारे पास मिले हैं, k-1 n मिले हैं। कैसे मिले हैं ये देखते हैं, यहाँ पर जब 2 की पावर 1 थी, ठीक है, यहाँ पर देखें जब 2 की पावर 1 थी, इधर वाली यहाँ पर देख रहे हैं, 2 की पावर 1 थी तो 1 n हमारे पास था, 2 की पावर 2 थी तो 2 n हो चुके हैं, 2 की पावर 3 तो 3 n हो चुके हैं, 2 की पावर 4 है तो 4 n आपके पास मिल गए। 2 की पावर k होगा तो क्या बन जाएगा, n टाइम ये वाले क्या मिल जाएंगे, k n मिल जाएंगे ना। तो अगर इससे पिछले स्टेप पर जाते हैं तो हमारे पास क्या वो k-1 n मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर k भी लिख सकते थे, k-1 भी लिख दिया तो कोई इसमें इशू नहीं है ना, तो k आपके पास n आ गए ना। लेकिन ये वाला जब आपके पास ये वाला k वाला n बनेगा, ये वाला आपके पास जब वो उससे पिछले n काउंट कर रहे हैं इसलिए k-1 लिखा है। तो k टर्म वाला जब आप t(1) पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो t(1) का जो बेस केस था उसका आंसर क्या था, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ ये वाली बन जाएगी, इधर आपके पास जो है वो k-1 या kn बने थे बेसिकली ना, -1 ना लिखे सिर्फ k लिख देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, kn, ठीक है। तो kn, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, क्या आंसर आया था, log2 n, तो k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, n log, यानी कि n ये वाला और साथ में k की वैल्यू ये हो जाएगी, तो n log2 n आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट का आपको ये वाली सारी की सारी एग्जांपल जो है वो समझ आ चुकी होंगी। टेलीस्कोपिंग सम मेथड में हमने 7 डिफरेंट एग्जांपल जो है वो डिस्कस किए हैं, और फर्स्ट जो 3 वीडियोस हैं वीकेट की उसमें ये 7 की 7 एग्जांपल जो है वो डिस्कस हैं। अगर किसी को फिर भी कोई इशू हो तो वो मुझसे जो है वो कंटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो डिस्कस करने के बाद फिर जो है वो ईजिली आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।